सरहुल पर्व क्यों मनाया जाता है, सरहुल पर्व के महत्व और इसका आरंभ कैसे हुआ, हम सभी रोमांचक कथाओं को सुनेंगे और इस अद्वितीय त्योहार की गहराइयों में खो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम सभी प्रकार की धार्मिक परंपराएं, सांस्कृतिक कथाओं और कहानियों को जानने का प्रयास करेंगे। सरहुल त्यौहार प्रकृति को समर्पित है। इस त्यौहार के दौरान प्रकृति नेचर की पूजा की जाती है। सरहुल एक प्रमुख आदिवासी पर्व है जो कि वसंत में मनाया जाता है। यह एक बहुत ही पुरानी कहानी है। जब हमारे पूर्वज सरहुल के त्यौहार मनाते थे, इस पर्व के पीछे एक खास कहानी है जिसे हम जानेंगे, जहां सखुआ वृक्ष, जिसे हम साल वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आदिवासी लोग इस खास पर्व को हादी बोंगा के नाम से मनाते हैं। सरहुल पर्व एक प्राचीन लोक त्योहार है। इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। इसका महत्व भारतीय समाज में गहरा है। सरहुल पर्व के पीछे का बैकग्राउंड, उसका ऐतिहासिक महत्व और संबंधित घटनाओं को जानने का प्रयास करेंगे कि सरहुल पर्व कैसे उसका उत्पत्ति हुआ। हम आज से लेकर 5000 साल पहले के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानवीय इतिहास में मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और इंडस घाटी की सभ्यताओं में से किसी एक को माना जाता है। लेकिन सबसे प्राचीन सभ्यता की सटीक जानकारी कठिन है, क्योंकि यह बहुत समय पहले हुई थी और उसके लिखित रिकॉर्ड्स अधिकांशतः नष्ट हो गए हैं। एशिया में सबसे पुरानी सभ्यता इंडस घाटी सभ्यता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फूली थी, जो वहां थी जहां अब पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र है। इंडस घाटी सभ्यता उनकी उत्कृष्ट शहरी योजना, विशेषज्ञ ड्रेनेज सिस्टम और विशेष पात्र और मुहरियों के लिए प्रसिद्ध थी। इंडस घाटी सभ्यता से पहले मानव समुदायों का जीवन बहुत ही सरल और सामूहिक था। लोग जंगली फल फूल और जीवित जानवरों का शिकार करते थे और अपने खाने पीने को प्राकृतिक वातावरण के अनुसार संचालित करते थे। उनका आवास गुफाओं या छोटे छोटे गांवों में होता था, जहां उन्हें सामूहिक रूप से जीने का अवसर मिलता था। उनके सामाजिक संरचना में परंपरागत सोच और व्यवस्था को महत्व दिया जाता था। इंडस घाटी सभ्यता के विकास के साथ लोग अपने गांवों को बसाने के लिए मानवीय निवास स्थलों को छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए। इस प्रक्रिया में वे प्रकृति की पूजा करने लगे, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक परिवेश के महत्व को समझा था और उसका सम्मान किया था। यह प्रथा आज भी हमारे भारतीय आदिवासी जनजाति समाज में जीवित है और प्राकृतिक संरेखण की महत्वपूर्णता को उत्कृष्टता से दर्शाती है। सरहुल पर्व को झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल और मध्य भारत के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सरहुल पर्व को बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे अन्य देशों में भी मनाया जाता है। सरहुल नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर और हुलसर का अर्थ होता है सरई, यानी सखुआ साल का पेड़। वहीं हुल का अर्थ है क्रांति। दोनों जब मिलता है तो बनता है सरहुल। झारखंड की विभिन्न जनजातियां इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाती हैं। उरांव जनजाति इसे खुदी पर्व, मुंडा जनजाति इसे बा पर्व, संथाल जनजाति इसे बाहा पर्व, खाडिडिया जनजाति इसे जंकौर पर्व, सदान समाज सरहुल और नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा और कुरमाली भाषा में इस पर्व को सरहुल कहा जाता है। सरहुल कब मनाया जाता है? सरहुल का त्यौहार रबी एवं सर्दियों की फसल के काटने के साथ ही आरंभ होता है। यह त्यौहार नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन जब चांद दिखाई देता है, तब सरहुल का त्यौहार आरंभ होता है और पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार समाप्त हो जाता है। सरहुल त्यौहार वसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन के साथ होता है। पतझड़ के बाद पेड़ों के पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, आम मंजराने लगते हैं। सरई और महुआ के फूलों से वातावरण सुगंधित हो जाता है, तो यह एक नया जीवन का संकेत होता है। इसलिए सरहुल का उत्सव प्रकृति के नए जीवन को खुशी से स्वागत करता है। इस प्रकृति पर्व में साल के पेड़ों पर खिलने वाले फूलों का विशेष महत्व होता है। सरहुल का त्यौहार अलग अलग गांवों में अलग अलग दिनों पर मनाया जाता है। इस प्रमुख उत्सव के दौरान गांवों में एक महीने तक धूमधाम से मनाया जाता है।
लोग अखाड़े में नृत्य करते हैं, गाने गाते हैं और परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। सरहुल पर्व में लोक नृत्य और गायकी धार्मिक और सामाजिक जीवन को और भी खूबसूरत बनाते हैं। यह हमारी प्रिय धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सामाजिक संगठन में एकता और समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल होता है, जो 4 दिन तक चलता है। इस पर्व में अलग अलग दिनों पर अलग अलग परंपराएं होती हैं। पहला दिन, सरहुल के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है तथा गांव का पुजारी, जिसे पाहन के नाम से जाना जाता है, गांव में धूमने के साथ पाहन घर घर में सरई फूल लगाता है। गांव के लोग पाहन का अपने घर में पैर धोकर स्वागत करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और उसे घर में बनी रोटी पीठा दी जाती है। इस बीच बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला और पुरुष सभी नाचते गाते खुशियां मनाते हैं। तीसरा दिन, पाहन द्वारा उपवास रखा जाता है तथा सरना पूजा स्थल पर सरई के फूलों एवं सखुए के फूल का गुच्छा अर्थात कुंज की पूजा की जाती है। इसके साथ ही मुर्गे की बलि भी दी जाती है तथा चावल और बलि की मुर्गी का मांस मिलाकर सुंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में गांव में वितरण किया जाता है। चौथा दिन, गिढ़ीवा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। केकड़े का सरहुल पूजा में बहुत ही महत्व है। सरहुल पूजा में केकड़े ढूंढने का पहला रिवाज है, जहां लोग इसे खोजते हैं, क्योंकि केकड़े का इस पर्व में विशेष महत्व है। पुजारी, जिसे पाहन कहा जाता है, उपवास के दिन केकड़े पकड़ते हैं। केकड़े को पूजा घर में अरवा धागा से बांधकर टांग दिया जाता है और जब धान की बुआई की जाती है तब इसका चूर्ण बनाकर गोबर में मिलाकर धान के साथ बोया जाता है। ऐसा मान्यता है कि जिस तरह केकड़े के असंख्य बच्चे होते हैं, उसी तरह धान की बालियां भी असंख्य होंगी। किसी चीज को मानने या पूजने के पीछे एक उद्देश्य होता है, ठीक उसी तरह सरहुल उत्सव को मनाने के पीछे भी कुछ उद्देश्य होते हैं। इस त्योहार में गांवों और शहरों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग प्रकृति की रक्षा, जल जंगल और जमीन के साथ साथ गांव, राज्य और देश की खुशहाली के लिए पूजा करते हैं। सरहुल के उत्सव में मां सरना की पूजा की जाती है। गांव के गांव से दूर सरना स्थल जाकर मां सरना की पूजा करते हैं। उन्हें अपने साथ चावल, लकड़ी, घड़ा, फूल और मुर्गा जैसी पूजा सामग्री भी लेकर जाना होता है। पूजा के दौरान मां सरना को 5 विभिन्न रंगों के मुर्गों की बलि भी चढ़ाई जाती है। इस पूजा का मान्यता है कि मुर्गे को बलि चढ़ाने से पर्यावरण, वर्षा और खेती में बरसात मिलती है। इस पूजा में लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और उन्हें 1 साल के लिए पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। फिर अगले साल के लिए वे फिर से मन्नतें मांगते हैं। पुजारी बताते हैं कि आदिवासी समाज में सदियों से चली आ रही परंपरा को धार्मिक नियमों और धर्म के अनुसार निभाते आ रहे हैं। आदिवासी जंगलों से जुड़े होते हैं और प्रकृति से काफी नजदीक रहते हैं। सरहुल के दिन से आदिवासी समाज कृषि का काम शुरू करते हैं। इस दिन से ही गेहूं की नई फसलों की कटाई का काम शुरू होता है। यहां यह माना जाता है कि संस्कृति का मूल रूप नृत्य है। सरहुल पर्व में सारे जगह नृत्य उत्सव मनाए जाते हैं। सरहुल के मौके पर महिलाएं लाल पारों वाली साड़ियां पहनती हैं, इसलिए कि लाल रंग पवित्रता और शालीनता का प्रतीक होता है। वहीं लाल रंग संघर्ष का प्रतीक है। सफेद रंग को सिंह बोंगा और बुरबोंगा के प्रतीक के रूप में माना जाता है, इसलिए सरहुल का झंडा भी लाल और सफेद ही होता है। सरहुल पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन झारखंड के 5 समुदाय इसे अलग अलग तरह से भी मनाते हैं। मुंडारी, संथाली और हो भाषा में सरहुल कोबा या बहापुरूप, कादिया में जांकोर, कुडुक में खत्ती या खेखेल बेंजा। सरहुल पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में बड़े जुलूस निकलते हैं और लोग रास्ते पर नृत्य और गाने करके उत्सव मनाते हैं। वैसाल के फूलों को कान में लगाते हैं और गालों पर रंग लगाकर नृत्य और गाना करते हैं। छोटे से लेकर बुजुर्ग, सभी उम्र के लोग
इस उत्सव को बड़े उत्साह से मनाते हैं। यह त्योहार झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुंडारी समुदाय बहापोरोब में पूर्वजों का होता है। सम्मान मुंडा समाज में बहापोरोब का विशेष महत्व है। यह पर्व सखुआ वृक्ष के नीचे मनाया जाता है और इसे मुंडा समाज का पूजा स्थल माना जाता है। इस पर्व में पाहन के साथ नृत्य और गाने का आनंद लिया जाता है। वो समुदाय 3 दिनों तक बा पोरोब मनता है। बा शब्दिक अर्थ है फूल, अर्थात फूलों के त्योहार को हिबा पोरोब कहते हैं। बा पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। बा गुड़ी के दिन घर में मृत आत्माओं, पूर्वजों एवं ग्राम देवता के लिए भोजन तैयार होता है। दूसरे दिन साल की डालियों के साथ जंगल जाकर पूजा की जाती है। तीसरे दिन पूजन सामग्रियों को विसर्जित किया जाता है और रात में नाच गान का आनंद लिया जाता है। उरांव समुदाय धरती सूर्य का विवाह खेखेल बेंजा त्योहार धरती और सूर्य के विवाह के रूप में मनाया जाता है। सरहुल बहुत दिनों तक चलने वाला त्योहार है। इस त्योहार में पुजारी और पुजारिन को उपवास करना पड़ता है और वे लोगों के घरों में जाकर फूल और जल बांटते हैं और स्त्रियों के सिर पर पानी भी छिड़कते हैं। यहाँ पानी छिड़कने का अर्थ यह है कि महिलाओं को संतान प्राप्ति के लिए शुभकामनाएं दी जाती हैं। लोग घड़ियों में पानी रखकर बारिश होने की संभावनाओं का भविष्यवाणी भी करते हैं। इस पूजा में सखुआ के फूल, जल, सिंदूर और दूब घास चढ़ाया जाता है। उराम धरती सूर्य का विवाह खेखेल बेंजा इस कहानी को हम लोग संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। जब धरती और सूरज की शादी हो गई थी और उनकी प्यारी बेटी बिंदी का जन्म हुआ। बिंदिया एक अत्यंत खूबसूरत बच्ची थी। बिंदी की उपस्थिति से पृथ्वी हमेशा हरी भरी रहती थी। एक दिन खेलते खेलते वह पाताल लोक पहुंच गई, जहां पाताल के राजा ने उस खूबसूरत बच्ची देखकर उसे वहीं रखने का निर्णय लिया। इससे धरती पर लोग निराश और उदास हो गए। हरियाली की कमी का एहसास हुआ। लोग परेशान और बेचैन हो गए। जब पाताल के राजा को पता चला कि लोग बिंदी बच्ची को ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने थोड़ी मोहलत मांगी और जब बिंदी वापस आई तो धरती में पुनः हरियाली का रंग फिर से छा गया। तब से सरहुल पूछा मनाने का प्रक्रिया आरंभ हुआ माना जाता है। संथाल समुदाय विशेष राग ताल में होता है। बाहा नृत्य बाहा संथालों के महुआ और साल को देव स्वरूप मानकर पूजने का परंपरागत रिवाज है। यह पर्व फागुन के 5वें दिन से शुरू होता है और पूरे महीने तक चलता है। पूजा में मुर्गा बलि दी जाती है और खिचड़ी को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसके बाद संथाल नृत्य होता है जिसमें महिलाएं नृत्य करती हैं और पुरुष वाद्य बजाते हैं। खादिया समुदाय जांकोर में गड्ढे के पानी से भविष्यवाणी खादिया समुदाय जांकोर पर्व मनाता है जिसमें फागुन पूर्णिमा के 1 दिन पहले उपवास रखा जाता है। पुरुष दिन में शिकार करते हैं और उन्हें भार पानी के 2 घड़ों में रखना होता है। दूसरे दिन पूजा एवं बलि के बाद लोगों को सखुआ फूल देकर आशीर्वाद दिया जाता है। इस कार्यक्रम में ढोल, नगाड़े और शहनाई भी बजते हैं। शाम को पाहन सेमल वृक्ष की डाली को काटते हैं और इसे अपने घरों में खोंस देते हैं। तीसरे दिन फूल खोंसी का कार्य प्रत्येक गांव में किया जाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना और उसकी देखभाल करना चाहिए। प्रकृति को गंदा नहीं करना चाहिए, उसे नुकसान पहुंचाने से बचाना चाहिए। हमें प्रकृति में प्लास्टिक, कांच, बोतल नहीं फेंकना चाहिए। आजकल विकास के नाम पर जंगलों को काट दिया जा रहा है जो कि बहुत खतरनाक है। जंगलों को बचाने की बहुत ज़रूरत है। हमें जितना हो सके पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए क्योंकि वे हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। धन्यवाद। और यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप आसानी से ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जाकर उसे देख सकते हैं। वहां हमने धरती से लेकर आदिवासी के जन्म तक का इतिहास को विस्तार से बताया है। इसे देखकर आपको नए और महत्वपूर्ण ज्ञान का लाभ होगा। धन्यवाद।